हेदा लोबीज, हाउ आर यू ऑल? कैसी है मेरी लवीज आर्मी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना गाइस। चलिए चेक करते हैं आज की एनर्जीज और देखते हैं डिवाइन का इंडिकेशन मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या संकेत है भगवान का आप लोगों के लिए जो सब ये वीडियोस देख रहे हैं और जो ये वीडियोस इतने समय से देखते हुए आ रहे हैं। क्या एक मैसेज यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं आज रीडिंग्स के थ्रू। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इंस्टा पर मैं चैनल की सक्सेस स्टोरीज़, रेमेडीज़ सब कुछ पोस्ट करती हूँ, तो आप वो सक्सेस स्टोरीज़ भी देख सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का क्विज़ भी मैंने स्टार्ट कर दिया है जो इंस्टाग्राम पर आता है, तो आप मिस बिल्कुल भी ना करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। मन में कोई क्वेश्चन है, किसी चीज़ का जवाब चाहते हैं, तो वो क्वेश्चन भी आप अपने मन में रख सकते हैं। लेकिन मैं आज यहाँ पर आपको करंट एनर्जीज़ बताने वाली हूँ, क्या सिचुएशन है, क्या प्रॉब्लम है, क्या चल रहा है, क्या नतीजा मिलने वाला है चीज़ों का, वो आज मैं आपको रीडिंग्स के अकॉर्डिंगली बताऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर्स को जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं। थ्री कार्ड्स आज, सिर्फ थ्री कार्ड्स मैं निकालूंगी। डिवाइन थ्री कार्ड्स के थ्रू गाइड करें मेरे व्यूअर्स को, थ्री कार्ड्स के थ्रू गाइड करें मेरे व्यूअर्स को जो लोग ये रीडिंग्स अभी इसी वक्त देख रहे हैं। थ्री कार्ड्स के थ्रू गाइडेंस दें डिवाइन, थ्री कार्ड्स के थ्रू जो भी सिचुएशन में मेरे व्यूअर फंसे हुए हैं, जिसका वो जवाब चाहते हैं, थ्री कार्ड्स के थ्रू हमें बताएं। पहला कार्ड आया है जो कि नीचे गिर गया है, जिसको मैं उठाऊंगी, और शायद से फ्रेंडशिप का कार्ड आया है कि मुझे यहाँ से दिख गया है। सप्रेशन कार्ड नंबर वन, इंटेंसिटी कार्ड नंबर टू, बॉटम डेक चेक कर लेते हैं, द माइजर का कार्ड आया हुआ है, ठीक है। और एक जो बॉटम डेक हमारे पास है वो मैं निकाल लेती हूँ, शायद से फ्रेंडशिप का कार्ड है जो मैं देख पा रही हूँ, लेकिन लेट्स सी कौन सा कार्ड आया है। या आई वॉज राइट, कार्ड्स तो बिल्कुल रट गए हैं। फ्रेंडलीनेस का कार्ड आया है, बॉटम डेक हमारे पास जो है वो फ्रेंडलीनेस का कार्ड है। आप लोग देख सकते हैं थ्री कार्ड्स हैं और बॉटम डेक का भी कार्ड है जो हमें इंडिकेशन दे रहा है, जो हमें बता रहा है। करंट सिनेरियो की अगर बात करी जाए तो ऐसा लग रहा है ना कि आप चीज़ों में बहुत एनर्जी लगा रहे हो, यू आर पुटिंग अ लॉट ऑफ एनर्जी, और उसी को देखते हुए दिख रहा है कि माइंड बहुत ज़्यादा सप्रेस हो गया है, माइंड बहुत ज़्यादा चीज़ों के लिए परेशान है, माइंड बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर एक नेगेटिव पिक्चर को बनाए बैठा है। चाह रहे हो कि एक कंक्लूजन मिल जाए, चाह रहे हो कि चीज़ें बेटर हो जाए, चाह रहे हो कि एक नतीजे पर पहुँच जाऊँ, लेकिन अंदर से ना खुशी बिल्कुल भी नहीं हो रही, चीज़ें बहुत ज़्यादा नेगेटिव चल रही हैं आपके दिमाग में। और कुछ लोग किसी बात को लेकर भी मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं, किसी ने कुछ ना कुछ तो आपके साथ करा है जिसको लेकर एक नेगेटिव माइंडसेट बहुत बना हुआ है। ऐसा फील होता है कार्ड्स को देखकर कि बहुत ज़्यादा माइंड में नेगेटिविटी चल रही है, चीज़ों की परेशानी बहुत ज़्यादा चल रही है, और उस वजह से माइंड कहीं ना कहीं चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। तो थोड़ा ना रिलैक्स करो, इतना सोचने से कुछ भी नहीं होगा, इतना ओवरथिंक करने से कुछ भी नहीं होगा। हो सकता है जिस एनर्जी से आपने चीज़ों पर वर्क करी है या जो इंटेंसिटी आपने चीज़ों पर लगाई है, जो जो ऊर्जा, जो वाइब्रेशंस आपने चीज़ों पर लगाई है, हो सकता है आपको उसके अकॉर्डिंगली इतना पॉजिटिव आउटपुट नहीं दिखा है। हो सकता है उसके अकॉर्डिंगली आप कहीं ना कहीं फील करते हो कि मुझे एक अच्छा आउटपुट नहीं दिख पा रहा है, मैं चीज़ों के लिए खुश नहीं हो पा रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे एक अच्छे बेटरमेंट पर पहुँचोगे। ये जो एनर्जी आपने चीज़ों में लगाई है, जो आप चाह रहे हो, जो आप सोच रहे हो, वो आप धीरे 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 आपको उसका बेटरमेंट दिखना शुरू होने लग जाएगा। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ऐसा फील होता है मेरे को कार्ड्स को देखकर, दैट इज़ समवेयर आपकी लाइफ में ऐसे कुछ लोग हैं जो आपको चीज़ों से बाहर निकालेंगे, जो सप्रेशन, जो माइंड में ना एक परेशानी भरी हुई है, जो माइंड में एक नेगेटिविटी चल रही है, जो माइंड में एक चीज़ों को लेकर अनहैप्पीनेस चल रही है, हो सकता है कोई अच्छा दोस्त, कोई अच्छी फ्रेंडशिप आपको इससे सेव करेगी और आपको अच्छे नए जोन पर लेकर जाएगी। तो ये मत सोचो कि वो कब होगा, और कुछ लोग के फ्रेंड तो कृष्णा भी होते हैं, छोटे से कृष्णा, बाल गोपाल वाला कृष्णा,
कहते हैं ना कि कृष्णा इज़ माई फ्रेंड, ऐसा बोला गया है, तो यू नेवर नो, कृष्णा ही आपके दोस्त बन के आपकी हेल्प करे और आपको जिस सिचुएशन से आप परेशान हो, जिस सिचुएशन से आप नेगेटिव फील कर रहे हो, उससे आपको बाहर निकालें। तो ओवरऑल देखा जाए तो ज़्यादा सोचो मत, नो मैटर सामने वाले ने आपके साथ क्या करा है, कैसा किया है, क्या किस इंटेंशन से किया है, यू आर नॉट द वन जिसको लेके सोचेगा। आप बस चीज़ों को लेके नॉर्मल रहो, थोड़ा कूल सा फील करो, ओवर थिंक बिल्कुल भी मत करो। एनर्जीज जो आपने लगाई है उसका नतीजा आपको पॉजिटिव मिलेगा, लेकिन बस थोड़ा अवेयर रहो, परेशान मत हो, इतना दिमाग से मत डाउन होते जाओ कि एट द एंड ऑफ द डे ये फील हो कि चीज़ें कब बेटर होगी या चीज़ें कब अच्छी होगी। इस चीज़ का ध्यान देने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन कार्ड्स को देखकर समझ में आता है धीरे धीरे बेटरमेंट होगा, धीरे धीरे आपको चेंजेस देखेंगे, बदलाव सारे फेवर में आएंगे, भली समय लग रहा है लगने दो, बट आपको कोई ना कोई एक फ्रेंड अब एक इस नेगेटिव जोन से निकाल देगा और आपकी अनएक्सपेक्टेडली ज़रूर हेल्प करेगा। राधे राधे।